हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग को फिर से स्वागत है। मेरे पास आज हैंडसेट एक आया है, रेडमी नोट सेवन, जो कि डिस्प्ले में ग्राफिक और लाइट दोनों नहीं आ रहा है। ऑन करते समय हल्का सा डिस्प्ले में लाइट आके वापस बंद हो जा रहा है। अभी देखिए, मैंने फ़ोन को डिसेबल कर चुका हूँ और मैं पहले सारा जी आर वैल्यू चेक कर रहा हूँ ताकि पता चले कहाँ से लाइन ब्रेक है या कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है। तो देखिए, मैं इस तरह से अभी जी आर वैल्यू इनका चेक कर रहा हूँ। या मुझे लग रहा है कि ये VSN लाइन में कुछ शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये VSN लाइन में 1.8 वोल्ट आता है हम लोग का चार्जिंग आईसी से। इस लाइन में लगा हुआ कंपोनेंट को मैं पहले चेक करूँगा, कहीं कंपोनेंट तो शॉर्ट नहीं है। उसके बाद मैं आगे काम प्रोसेस चालू करूँगा। पहले मैं इसमें लगे हुए कंपोनेंट को, इसमें दो कैप्स लगे हुए हैं, ये दो कैप्स को मैं पहले चेक करता हूँ शॉर्ट है या इंटरनल आईसी से शॉर्ट है। देखिए, अभी मैं कैप्स को चेक कर रहा हूँ। एक कैप्स में शॉर्ट दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसको बाहर निकल के चेक करूँगा। देखते रहिएगा वीडियो को। यह एक मेरा एक मैकेनिक भाई ने मुझे फ़ोन दिया था, जो कि उनका पास आया था, उन्होंने ट्राई करके देखे थे। तो मैंने कैप्स को, दरअसल मैंने वीडियो कट किया, कैप्स को मैंने चेक किया था कि एक कैप्स शॉर्ट नहीं है। इंटरनली उसका जो चार्जिंग आईसी से सप्लाई आता है, शायद वहीं से आईसी आईसी आपका शॉर्ट होके ये लाइन शॉर्ट दिखा रहा है। मैंने कैप्स देखा, इसका जो नीचे का ट्रैक है वही शॉर्टिंग है। तो अभी मैं चार्जिंग आईसी को रिमूव कर रहा हूँ। ये चार्जिंग आईसी 6600 मॉडल का है। देखते रहिए दोस्तों, ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, मैंने चार्जिंग आईसी को रिमूव कर लिया। अब मैं सबसे पहले मैं इसमें चेक करके देख रहा हूँ कि बॉल शॉर्ट है या नहीं। मुझे नहीं लग रहा बॉल शॉर्ट है, तो मैं इसका आईसी को चेंज करके देखूँगा। अभी देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा प्लीज़। जो नए बंदे लोग हैं उन लोगों के लिए काम आएगा ये वीडियो। जब भी हम लोग कोई आईसी निकालते हैं तो उनका सबसे पहले हम लोग उस बोर्ड का आईसी पैड लॉक क्लीन करना चाहिए, ताकि आईसी लगाते समय दिक्कत ना आए, एक बॉल एक दूसरे में कनेक्ट ना हो। और जब भी हम लोग इस तरह से आईसी का पैड को साफ करते हैं तो हल्के हाथों से करना चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि पैड पर कोई स्क्रैच ना आए और एक दूसरा में कनेक्ट ना हो जाए। देखिए ये दोस्तों, मैं अभी इसका आईसी को चेंज कर देता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, मेरा पीसीबी का आईसी पैड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब मैं आईसी लगाने के लिए तैयार हूँ। देख रहे मैंने इसमें फ्लेक्स पेस्ट थोड़ा सा मैंने लगा दिया। अभी मैं आईसी को बिठा रहा हूँ। देखिए कैमरा क्वालिटी इतना खास नहीं होने की वजह से आप लोगों को मैं क्लियरली दिखा नहीं पा रहा हूँ। बहुत जल्द अच्छी तरीके से वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। इस तरीके से जब भी आईसी लगाते हैं समय थोड़ा मिला के लगाना पड़ता है और इसका डायरेक्शन वाइज में लगाना पड़ता है। इसमें आईसी का डायरेक्शन दिया जाता है। हर आईसी में एक साइड में डॉट रहता है। उसी डॉट के हिसाब से जिस तरह से आपने रिमूव किया था उसी तरह से आईसी को बैठाना भी है। और गलत साइड से बैठा है तो आईसी शॉर्ट हो जाएगा, फिर काम नहीं आएगा। इसलिए जब भी हम लोग आईसी खोलते समय हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन से हम लोग आईसी को निकल रहा है। सेम वही डायरेक्शन से आईसी को बैठाना है। मैं आईसी को असेंबल कर रहा हूँ। देख रहेगा वीडियो को। देखिए दोस्तों, मेरा आईसी असेंबल हो चुका है। अब मैं जहाँ जिस कैपेसिटर पर शॉर्टिंग आ रहा था, बीप का आवाज़ आ रहा था, मैं उसके उसको चेक कर रहा हूँ। देखिए हमें बिल्कुल शॉर्ट हट चुका है, अभी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। मैं इसमें पहले शॉर्ट बीप का आवाज़ आ रहा था, अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि इसमें वैल्यू आ गया है। यानी कि इसमें जो शॉर्ट था इस लाइन में बिल्कुल शॉर्ट हट चुका है। ये चार्जिंग आईसी का वजह से हुआ था। चार्जिंग आईसी शॉर्ट होने की वजह से सारा लाइन बीएसएन का लाइन शॉर्ट दिखा रहा था। अब मैं फिर से दिखाऊँ, जो आईसी का सामने कैप्स लगा हुआ था उसमें शॉर्ट हट चुका है। अभी मैं जो डिस्प्ले जेक है, जेक के सामने जो कंपोनेंट लगा हुआ है उस कंपोनेंट में फिर चेक करके देखता हूँ यहाँ से शॉर्ट हटा है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ से भी शॉर्ट हट चुका है। अभी बीप का आवाज़ नहीं आ रहा है। मैं हम लोग को थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए बिल्कुल यहाँ से शॉर्ट हट चुका है। अभी साउंड नहीं आ रहा है बीप का, यानी कि जो प्रॉब्लम था मेरा सॉल्व हो गया है शॉर्टिंग का। अभी मैं फ़ोन को असेंबल करके देखूँगा। देखिए सेम वैल्यू आ रहा है। मैं फ़ोन को असेंबल करके देखूँगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया नहीं। देखिए ये मदरबोर्ड है, ये ऐसे मैंने असेंबल किया है। जब भी इस तरह का फोन में प्रॉब्लम आता है सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि हम लोग बहुत आसानी से और बिना समय लगाए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। कोई भी आईसी इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। शायद ये फ़ोन गिरा हुआ था उसका वजह से साइड में थोड़ा सा टूटा हुआ भी था आईसी। देखिए मैं भी ऑन करके देख रहा हूँ। देखिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, इसमें ग्राफिक और लाइट दोनों आ गया है। देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, सक्सेस हो चुका है मेरा फ़ोन ये।
मेरा वीडियो को और मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। देखिए मैं टच करके देखा, बिल्कुल टच भी सही है, बिल्कुल फोन बन चुका है आप लोग को देखने के लिए। धन्यवाद, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा प्लीज़।